Okay, so today we are going to study bipolar disorder. जब हमने major depressive disorder पढ़ा था उसी time मैंने briefly इसको भी cover किया था bipolar disorder को. तो bipolar disorder जैसा कि name suggest करता है, bi means two, polar means two poles. तो जब मैंने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बताया था तो ये भी बताया था कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें केवल जो डिप्रेसिव एपिसोड है वही रहता है. वेयरएज बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसमें अलोंग विद द डिप्रेसिव एपिसोड मैनिक एपिसोड भी रहता है और हाइपर मैनिक भी हो सकता है और मिक्स्ड एपिसोड भी हो सकता है. सो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके धीरे धीरे कि मैनिक क्या होता है, हाइपोमैनिक क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है. बट द की थिंग इज बाइपोलर में दो पोल्स होंगे, उसमें से एक जो है वो डिप्रेसिव वाला होगा और दूसरा जो है मैनिक भी हो सकता है, हाइपोमैनिक भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है. ऐसा बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है कि खाली मैनिक एपिसोड ही है और जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है वो नहीं है, वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है. लेकिन जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसमें ये पॉसिबल है कि द पर्सन विल नॉट बी हैविंग मैनिक और हाइपोमैनिक और मिक्स्ड एपिसोड, इसीलिए उसको यूनिपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है. तो सबसे पहले हम जो है सिम्टम्स पे आएंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं और उसमें जो डिप्रेसिव एपिसोड क्या होता है, मैनिक एपिसोड क्या होता है, हाइपोमैनिक एपिसोड क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है. फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स कि वो डिप्रेसिव एपिसोड क्या मैनिक है कि हाइपोमैनिक है कि दोनों है या वॉट एवर इट इज, उसके बेसिस पे जो है बाइपोलर डिसऑर्डर क्लासीफाई होता है बाइपोलर वन, बाइपोलर टू, साइक्लोथाइमिक एंड बाइपोलर डिसऑर्डर NOS. कॉजेस क्या क्या है वो पढ़ेंगे एंड देन ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले सिम्टम्स पे आते हैं. तो बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स में ये है कि एटलीस्ट एक मैनिया का सिम्टम होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक मैनिया का सिम्टम होना चाहिए. अभी के लिए मैनिया याद रखो, आगे चलेंगे तो हाइपोमैनिया भी हम बात करेंगे. तो अगर मैनिया नहीं है या हाइपोमैनिया नहीं है या मिक्स नहीं है तो बाइपोलर हो ही नहीं सकता. सो मैनिया हाइपोमैनिया नहीं है तो फिर वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है. और मैनिया हाइपोमैनिया या मिक्स है के साथ में जो है डिप्रेसिव एपिसोड है तब वो बाइपोलर डिसऑर्डर होगा. सो सबसे पहली की चीज़ ये है. तो दूसरी की चीज़ ये है कि इसमें जो है जो इंडिविजुअल की फंक्शनिंग है वो इंटरफेयर हो रही हो, वेदर इट्स पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल, मैरिड लाइफ, कुछ भी वो अफेक्ट हो रही होनी चाहिए. अगर कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा तो वो डिसऑर्डर किसी बात का है ही नहीं, तो पर्सन इज फाइन. तो ये दूसरी चीज़ ध्यान रखना है. तो डिप्रेसिव एपिसोड की अगर हम बात करें तो जो हम ऑलरेडी डिप्रेशन की हम बात कर चुके हैं वो जो है सिम्टम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिप्रेशन में क्या क्या होते हैं. वो सिम्टम्स जो है यहाँ पे भी रहते हैं जो डिप्रेसिव एपिसोड में, क्या क्या वही सब कि लॉस ऑफ एपिटाइट, फटीग है ना, सैडनेस, एंजाइटी, गिल्ट, आइसोलेशन, लोगों से जो है अलग रहना, होपलेसनेस, डिस्टर्बेंस इन स्लीप, एपिटाइट, फटीग, सेल्फ लोदिंग, एपैथी, इंडिफरेंस है ना, एनेडोनिया, ये सब जो है रहता है, मोटिवेशन नहीं रहना एंड मॉर्बिड सुसाइडल आइडिएशन. मॉर्बिड का मतलब वो एक उसकी हैबिट टाइप की बन गई है, टेंडेंसी बन गई है सुसाइडल आइडिएशन की. और सीवियर केसेस में हमने पढ़ा था जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में वो साइकोटिक भी हो सकता है, यानी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी हो सकता है. अब
जो बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी जो है इनडिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं किससे, क्लिनिकल जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। जैसा कि मैंने बताया ना कि बाइपोलर में इंडिविजुअल को कम से कम एक एपिसोड तो होना ही पड़ेगा मैनिया का। तो अगर जो है हाइपोमैनिया है या बहुत इतना कम लेवल का मैनिया है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, या ना वो उसको कंप्लेन ही नहीं कर रहा, उसको लग रहा है वो तो नॉर्मल है, खाली डिप्रेशन प्रॉब्लम है, तो ये कई बार जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं हम बिटवीन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में। ये ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो हाइपोमैनिया है उसमें पेशेंट को लग ही नहीं रहा होता कि उसको कोई इश्यू है, बल्कि वो तो उस कंडीशन से खुश होता है, दूसरों को प्रॉब्लम हो रही होती है बट द पेशेंट इज हैप्पी विद इट, सो इसलिए वो उसको रिपोर्ट ही नहीं करेगा कि भाई मुझे कोई इश्यू है भी। तो इसलिए जब रिपोर्ट ही नहीं करेगा, वो खाली डिप्रेसिव सिम्टम्स के बारे में बताएगा, तो आप ये सोचोगे कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वेयर एज इसको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर टू है, हाइपोमैनिया है क्योंकि। सो ये हमको उससे जबकि इंडिविजुअल हिस्ट्री उसकी लेते हैं तब जो है उसमें जाके पूछना पड़ेगा कि ये सब है कि नहीं है। अब आते हैं मैनिक एपिसोड पे। सो जो डिप्रेसिव एपिसोड है ये एटलीस्ट 2 वीक्स का रहना चाहिए, लेकिन जो मैनिक एपिसोड है ये 1 वीक ही काफ़ी है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 1 वीक मैनिक एपिसोड, एटलीस्ट 1 वीक डिप्रेसिव एपिसोड, एटलीस्ट 14 डेज। तो मैनिक एपिसोड में क्या क्या, कम से कम 3 सिम्टम्स होने चाहिए, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं लेकिन कम से कम ये 3 सिम्टम्स तो होने ही चाहिए एडिशनली। कौन कौन से? एक तो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम और ग्रैंडियोसिटी। सेल्फ एस्टीम हाई होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड है जैसे गुब्बारे में हवा भर देते, गुब्बारे का एक्चुअली साइज कुछ और है, हवा भर के वो बड़ा दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल है नहीं गुब्बारे में, हवा निकल जाएगी गुब्बारा ख़त्म, एक पिन मार दो गुब्बारा ख़त्म। सो लाइकवाइज सेल्फ एस्टीम हाई होना अच्छी बात है अगर इंसान अपने आप को कैपेबल माने, लेकिन जो कैपेसिटी है उससे मैच करती हुई सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए। अगर उससे मैचिंग नहीं है, जो इंडिविजुअल के पास में स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटी है, उससे मैचिंग सेल्फ एस्टीम नहीं है, बहुत हाई है उससे, तो इन्फ्लेटेड कहेंगे। और अगर वो फॉल्स बिलीफ में बदल गई है तो वो डिल्यूजन भी हो गया, तो उसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, कि जैसे कि मुझे भगवान ने भेजा है धरती पे, मैं सबका उद्धार करूँगा, या मेरे में इतनी ताकत है मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। सो ये सब ग्रैंडियोसिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। देखो ये वर्ड में ध्यान दो, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, इंडिविजुअल को नीड फील नहीं हो रही होगी कि उसको सोने की ज़रूरत है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, हमें पढ़ा था, लेकिन वहाँ इंडिविजुअल चाहता है कि वो सो जाए पर वो सो नहीं पा रहा है, यहाँ पे इसको नीड ही नहीं है कि मैं सो जाऊँ, ये फ़र्क है। फिर तीसरी चीज़ है ग्रेटर टॉकेटिवनेस देन यूजुअल। अब इसमें देन यूजुअल वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें उसका बेस लाइन पता होना चाहिए कि आमतौर पर इंडिविजुअल जो है कितना जो है बात करता है, अगर उस लेवल से वो ज़्यादा बात कर रहा है तब वो ग्रेटर देन यूजुअल हुआ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनका पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, नेचर ही उनका ऐसा होता है कि वो जो है बात कम करते हैं, या कोई लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो तो एक अलग इशू हो गया। लेकिन अगर कोई उसका बेस लाइन है, कोई आदमी नॉर्मली हमेशा जो है चुप रहता है या कम बोलता था, वो अब बहुत ज़्यादा बोलने लग गया है, तो यहाँ पे यूजुअल जो है उसका बेस लाइन हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। अब ये सब जो है कैसे हमको दिखाई देंगे और चीज़ें इसके साथ में, कि परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ मूड, हमेशा उसका मूड एकदम हाई रहेगा, एकदम जो है कभी कोई जो है दुख तकलीफ उसको ऐसा लगेगा कि टच ही नहीं कर पा रहा, मैनिक एपिसोड की बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग दैट, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज और रेसिंग ऑफ थॉट्स, एक बात करेगा एक से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, तीसरे से चौथे पे जाएगा, ऐसे जो है वो
फ्लाइट ऑफ आइडिया रहेगा, टिक के एक पॉइंट पर डिस्कशन नहीं कर पाएगा, फिर डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बहुत हाई होगी, कोई भी थोड़ी सी कोई बात इधर की उधर की हुई या कोई साउंड हुआ या कोई आया या गया एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इंक्रीज्ड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होगी, जैसे होता है ना जुनून सवार हो जाता है इंडिविजुअल में कि जो करेगा तो बस करते ही रहेगा करते ही रहेगा करते ही रहेगा। अब इन सब के साथ में जैसे कर रहा है काम बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ये तो हम नॉर्मली सोचेंगे कि हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा कि जजमेंट में बिकम इम्पेयर्ड, जो इंडिविजुअल की डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी है उसमें प्रॉब्लम आएगी, कि जो जजमेंट तो सभी के कभी ना कभी गलत होते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट जो मैनिक एपिसोड होता है उसमें आदमी का जो जजमेंट है वो इम्प्योर्ड हो, उसको सही क्या है गलत क्या है डेंजरस क्या है सेफ क्या है इसमें वो जजमेंट नहीं कर पा रहा होगा, और ये उसकी एक्टिविटीज़ में हमको दिखाई दे रहा होगा, और एक्टिविटीज़ कंपेयर टू बेस लाइन। ठीक है, जैसे एबनॉर्मल स्पेंडिंग अचानक से देखने लग जाएगी दिखने को मिल जाएगी, स्पेंडिंग तो सभी कभी ना कभी करते हैं थोड़ी बहुत करते हैं अपनी इनकम और उसके हिसाब से, लेकिन जो इनकम है जो उसका नेचर है जो नीड है उससे मैचिंग नहीं स्पेंडिंग होगी, वो ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि इरेशनल स्पेंडिंग है, इसकी ज़रूरत नहीं थी अचानक इसने कर लिया। जैसे घर के लिए मान लो पैसे बचाए हुए हैं कि मुझे घर बनाना है और अचानक से उसमें से पैसे निकाल के ज़रूरत भी नहीं है और कार खरीद ली, ठीक है, तो कोई रैशनल नहीं है कि जब आपको घर बनाना था आपको मालूम है घर बनाना है पैसे घर बनाने के लिए लिए हैं, अभी आपके पास ऑलरेडी एक कार है उस कार नई कार की ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर जो है ये जजमेंट जो है ठीक नहीं है कि उस पैसे को कार में किया जाए। ये है फिर सब्सटेंस अब्यूज भी इंडिविजुअल करता है मैनिक एपिसोड में, इट कुड बी एल्कोहल कोकीन कोई भी स्टिमुलेंट होते हैं वो जो है वो इंडिविजुअल यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, उनके बिहेवियर भी जो है एग्रेसिव हो जाते हैं इनटॉलरेंट इंट्रूसिव हो जाते हैं, ये भी एक चेंज दिखाई देता है, बिल्कुल वो उनकी बात का कोई अपोजिशन करे या उनको गलत बताए एग्रेसिव हो जाएंगे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, दूसरों की लाइफ में जो है ऐसा करो तुम ऐसा करो ये मत करो, और उनका बिहेवियर ऐसा होगा दैट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल एंड अनस्टॉपेबल, उनको कितना भी समझा लो कोई भी कह ले वो नहीं मानेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया था ग्रैंडियोसिटी वाला, तो उसमें दे विल फील दैट दे हैव बीन चोजन एन आवर स्पेशल मिशन, उनको जो है लगेगा कि उनको ही किया है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट जो सेक्सुअल ड्राइव है दैट में इंक्रीज, जो हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पढ़ा था उसमें तो एनहेडोनिया होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी प्लेजरेबल एक्टिविटी इंक्लूडिंग लो और नो सेक्स ड्राइव, मैनिया में जो है सेक्सुअल ड्राइव हाई हो जाता है, और ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए ये जो है उसकी फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रहे होते हैं, और जो जो मैंने डेंजरस एक्टिविटीज़ बताई दैट में इंक्लूड गैम्बलिंग डेंजरस स्पोर्ट्स प्रोमिस्क्यूअस सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे कि गैम्बलिंग हो सकता है कि कभी कभार कोई करता हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अंधाधुंध गैम्बलिंग करना जिसमें कि अपनी पूरी कमाई को जो है लगा देना या डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अब इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि उसका प्रोफेशन अगर डिमांड करता है तो फिर वो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं, जैसे फॉर्मूला वन कार रेसिंग है या बॉक्सिंग है ये डेंजर स्पोर्ट्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग है ना ये सब डेंजर स्पोर्ट्स हैं, तो अगर किसी का प्रोफेशन ही ये है तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि वो हाई रिस्क एक्टिविटी कर रहा है, वो तो उसका प्रोफेशन ही है, लेकिन अदर देन यूजुअल जो है वो कर रहा है तब हम उसको डेंजरस कहेंगे। एंड देन प्रोमिस्कुअस सेक्सुअल एक्टिविटी, प्रोमिस्कुअस का मतलब जो परमिटेड नहीं है, ठीक है सोशली परमिटेड नहीं है उनकी बात हो रही है, और वो भी डेंजरस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल वन नाइट स्टैंड विद मोर देन वन पीपल है ना, या हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद अननोन पर्सन, और ये सब जो वो कर रहा होगा चाहे गैम्बलिंग है डेंजर स्पोर्ट्स है या प्रोमिस्कुअस सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसको इंसाइट नहीं होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, ये नहीं कि उसको वेल थॉट ऑफ होगा कि इट कुड बी वेल थॉट ऑफ डिसीजन ऑल्सो कि हाँ ठीक है
ये मुझे करना है, नुकसान होगा तो होगा, दिस इज़ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर, वो तो एक अलग चीज़ हुई। यहाँ पे इनको इंसाइट ही नहीं होगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो विदाउट इंसाइट इनटू पॉसिबल हार्म के साथ में वो डेंजरस एक्टिविटी कर रहे होते हैं। अच्छा, और मैनिक एपिसोड जब हो रहा होता है तो इनका ड्रेसिंग सेंस भी जो है थोड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप, एग्जुबरेंट एंड फ्लैम्बॉयंट होता है, बहुत कलरफुल, गॉडी कलर के, ब्राइट इस टाइप के वो पहनेंगे, है ना? जैसे मूवीज में किसी गोविंदा स्टाइल जो दिखाते हैं ना, कि रेड पैंट और येलो शर्ट इस टाइप के। और इसके साथ में क्या हुआ, दे विल टेंड टू बिलीव दैट दे आर इन देयर बेस्ट मेंटल स्टेट। इतना सब वो उल्टा सीधा कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये लग रहा होगा कि नहीं, हम एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को पता होता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद हिम और हर, यहाँ पे इसको बिल्कुल लग ही नहीं रहा होगा कि कुछ गलत है, कि उसको इतनी हाई एनर्जी, हर चीज़ इतना हाई फील हो रहा होगा ना, कि उसको और विदाउट इनसाइट है, जजमेंट इम्पेयर्ड है, तो उसको लग ही नहीं रहा होगा कि कुछ गलत है। ये एक और हाईलाइट है इसकी, मैनिक एपिसोड की। तो ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है कि इनसाइट तो है नहीं और कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है ना? अगर किसी के दोनों पैर नहीं हैं और उसके साथ में जो है उसको कार चलाने को बोल दिया जाए तो वो डेंजरस हो जाएगा। ब्रेक कैसे लगाएगा, एक्सीलेटर कैसे लगाएगा? सो इनसाइट इज लाइक योर ब्रेक एंड एक्सीलेटर्स, है ना? चाबी मार के गाड़ी तो कोई भी स्टार्ट कर लेगा, लेकिन कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है, वो अगर समझ नहीं है तो कार चलाना इज डेंजरस। सो ये चीज जो है यहाँ पे हो जाती है कि कार को दौड़ाना तो आ गया है, लेकिन ब्रेक कहाँ देनी है, स्लो कहाँ करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है, इनसाइट नहीं है। ये डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। और इनको क्या लग रहा होगा, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ऐसी है तो लोग इनको रोक रहे होंगे, टोक रहे होंगे, कोई क्योंकि डेंजरस हो गए हैं, कोई इनके साथ में रहना नहीं चाहता होगा, कोई इनके साथ में एसोसिएट नहीं करना चाहता होगा। सो व्हाट दे विल बी फीलिंग, दे विल बी फीलिंग दैट दे आर बीइंग अनजस्टली ट्रीटेड, जो इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है, ये इनको लग रहा होगा। ठीक है, मैनिक एपिसोड के दौरान ये सब होता है। सो ये मैनिक एपिसोड क्लियर है तो फिर मैं हाइपोमैनिक पे आऊँ। ठीक है, सो हाइपोमैनिक में क्या होता है, जो मैंने मैनिक में सब बताया था यही सब होता है, बट इन ए लेसर डिग्री। हाइपोमैनिक में वही सब हो रहा होता है जो मैनिक में हो रहा था, बट इट इज ए टोन डाउन वर्जन ऑफ मैनिक एपिसोड। अब इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, इंडिविजुअल को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, क्योंकि मैनिया में जैसे फंक्शनिंग इनहेबिट हो रही होती है, इसमें स्लाइटली इम्पेयर तो हो रही होती पर इनहिबिट नहीं हो रही होती। इम्पेयर और इनहिबिट में फ़र्क है। इम्पेयर में मतलब थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, तो स्लाइटली इम्पेयर मतलब थोड़ा सा पहले से गड़बड़ तो है, लेकिन इनहिबिट नहीं, इनहिबिट इनहिबिट नहीं मतलब आदमी कर ही नहीं पा रहा है काम, वो नहीं हो रहा होता है। सो अब इसमें डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आदमी जो है मोर देन यूजुअल प्रोडक्टिव होता है हाइपोमैनिया में। ठीक है, मैनिया में तो एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसका टोन डाउन वर्जन है ना मैनिया का। अब वो क्योंकि प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है तो उसको खुद को अच्छा लग रहा होता है, इंडिविजुअल को, द पर्सन इज हैप्पी, तो वो अपने आप को क्यों बीमार समझेगा, नहीं समझेगा, तो उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि पुअर जजमेंट और इरिटेबिलिटी भी हो, तो ये जो है इरिटेबिलिटी जो है उनकी, ये उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही होगी, मुझे चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आ गया, बाकी मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैनिया की तरह यहाँ पर भी, हाइपोमैनिया में भी मैनी पीपल एक्सपीरियंस हाइपर सेक्सुअलिटी, तो जो उनकी जो नॉर्मल या किसी एक नॉर्मल व्यक्ति की जो नीड होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, उससे ज़्यादा इनकी नीड होती है। सो दे आर वेरी हैप्पी, बट उनका जो सेक्सुअल पार्टनर होगा उसको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, बट दे देमसेल्फ आर हैप्पी। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जैसे हमने मैनिया में बात करी थी कि डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, वो हाइपोमैनिया में नहीं होंगे। सो
हाइपोमैनिक एपिसोड हम तभी मानेंगे जब डिलीजन और हेलुसिनेशन नहीं है। अगर डिलीजन और हेलुसिनेशन है तो फिर वो मैनिक एपिसोड में माना जाएगा, ठीक है। और जैसा हमने पढ़ा था कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है, यहाँ पे साइकोमोटर एक्टिविटी एक्सिलरेट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। अब क्योंकि हर चीज़ तो इंडियल के मुताबिक बड़ी अच्छी हो रही है, अदर देन कि वो इरिटेबल है और लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उससे। सो द इंडिविजुअल फाइंड्स दिस सिचुएशन टू बी प्रेजरेबल एंड यूफोरिक, सो ही और शी डजन वॉन्ट टू लीव दिस स्टेज। उसको इलाज कराने की जरूरत नहीं महसूस होती है, द पर्सन इज वेरी हैप्पी। हाँ, बस उनको यही प्रॉब्लम है। एक तो मैंने बताया कि इरिटेबिलिटी है और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी रहती है, कि मैनिया मैनिया में जो है बहुत हाई लेवल की डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इसमें थोड़ा कम होती है, कि कभी कभी मेरा ध्यान एकदम से भटक जाता है, ऐसा बोलेंगे ना। और लेबाइल मूड, लेबाइल मूड मतलब कि मूड जो है एकदम से इमोशनल हो जाएगा, हाई या लो कैसा भी हो सकता है। बस ये चीज़ इनको लगेगा कि भाई थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इरिटेशन होता है और इमोशंस कभी कभी हाई हो जाते हैं, बाकी सब बढ़िया है। सो ये हाइपोमैनिक हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं मिक्स एपिसोड पे आऊँ, ठीक है। अब मिक्स एपिसोड जो है इसमें क्या हो रहा होता है कि मैनिया और डिप्रेशन दोनों के जो है सिम्टम्स मैच कर रहे होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मैनिया और डिप्रेशन दोनों के मैच कर रहे होते हैं। अभी तक हमने बात करी थी, चाहे वो डिप्रेसिव एपिसोड था या मैनिक एपिसोड था या हाइपोमैनिक एपिसोड था, उसमें एक पर्टिकुलर एपिसोड में एक ही पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम्स थे। अब मिक्स एपिसोड में मैनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब दोनों के सिम्टम है तो कोई ना तो उसको हम केवल डिप्रेसिव एपिसोड कह सकते हैं, ना मैनिक एपिसोड कर सकते हैं, ना हाइपोमैनिक एपिसोड करते हैं, तो उसको मिक्स एपिसोड कहेंगे, नंबर वन। दूसरा इंडिकेशन क्या होता है मिक्स एपिसोड का, कि जो आदमी का स्विच हो रहा होता है फ्रॉम मैनिया टू डिप्रेसिव सिम्टम्स, दैट स्विच फॉलोज सर्केडियन रिदम या सर्केडियन फैक्टर्स। सर्केडियन रिदम क्या होता है वो समझो, जो हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल जो स्लीप वेक साइकिल है वो रफली 12 आवर्स 30 मिनट्स की होती है, ठीक है। तो हमको जो है सनलाइट के हिसाब से, सनलाइट जब नहीं है तो हमको मेलानिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा, तो मेलानिन जो है वो हमको स्लीप इंड्यूस करेगा। और जब सनलाइट है तो मेलानिन का लो प्रोडक्शन होगा, जब लो प्रोडक्शन होगा तो नींद ऑब्वियसली नहीं आएगी, अलर्टनेस आएगी। तो जब हम सनलाइट के हिसाब से या अपने स्लीप साइकिल के हिसाब से सोएंगे और जगेंगे, तो इनके जो मैनिक और डिप्रेसिव जो सिम्टम्स हैं ये इस सर्केडियन जो स्विच है इसके साथ में चेंज हो जाएंगे। जैसे आदमी जब सोने गया है तो बड़ा डिप्रेस्ड है, और सुबह सो के उठा है तो एकदम मैनिक सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और वाइस वर्सा, जब सोने गया है तब मैनिक एपिसोड है, बड़ा मैनिक सिम्टम्स दिखा रहा है, और सुबह सो के उठा तो एकदम डिप्रेस्ड है। तो ये इसे सर्केडियन स्विच कहेंगे। तो जो मिक्स एपिसोड है इसमें सर्केडियन जो फैक्टर्स हैं उसके साथ में स्विच होता है। तो अब इसमें जो है मिक्स एपिसोड में जो कॉमन प्रेजेंटेशन सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, कि डिस्फोरिकली एक्साइटेड मूड। एक्साइटेड मूड तो किसी का भी हो सकता है, कोई अच्छी खबर है या कोई जनरली अच्छा मूड में रहने वाला इंसान है तो वो पॉसिबल है एक्साइटेड मूड। यहाँ पे हम बात करें डिस्फोरिकली, डिस्फोरिकली मतलब कोई चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है, मूड हाई है तो बस हाई रहेगा, उसको कुछ भी सीरियस बात कहो, कोई भी घटना हो जाए नहीं। और फिर सडनली हो सकता है हंसते हंसते एकदम क्राई करने, रोने लग जाए, आंसू आने लग जाए, ठीक है। कभी उसकी जो स्लीप है वो एकदम से कम हो जाए, कि 3 घंटे ज़्यादा अब नींद ही नहीं आ रही है, फिर एकदम से रेसिंग थॉट्स हो जाए, ग्रैंडियोसिटी हो जाए, साइकोमोटर रेस्टलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशन, फिर परसिक्यूटरी डिल्यूजन। देखो हमने मैनिक एपिसोड में बात करी थी ना कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो सकते हैं, तो मिक्स एपिसोड में भी डिल्यूजन्स हो सकते हैं, और वो खास तौर से जो है परसिक्यूटरी वाले, जिसमें उसको ये लगता है कि सब उसके दुश्मन हैं, उसका हार्म करना चाहते हैं,
पीपल आर देयर टू गेट हिम और हर। और वैसे तो हेलुसिनेशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पर जनरली जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन ज़्यादा पाए जाते हैं कि आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन ज़्यादा होते हैं, फिर इनडिसाइसिवनेस होगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, कन्फ्यूजन की स्टेट रहेगी, और डिस्फोरिक मैनिया रहेगा। डिस्फोरिक मैनिया समझो क्या होता है। डिस्फोरिक मैनिया में क्या है, इंडिविजुअल जो है वो मैनिक सिम्टम्स होंगे, मैनिक साइकोसिस होगा, और उसके ऊपर जो है सॉरी मेन प्रीडोमिनेंटली जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे प्रीडोमिनेंटली, और फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज क्या होंगे, मैनिक साइकोसिस होगा। अचानक से बीच बीच में कुछ सिम्टम्स मैनिया के दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे आदमी जो है दुखी है और फिर अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा बिना वजह के ही, तो इस टाइप से जो है डिस्फोरिक मैनिया कहेंगे। तो जो मैनिया के सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे होंगे जो उसके जनरल मूड है उसका, इसलिए उसको डिस्फोरिक मैनिया कहेंगे। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मिक्स एपिसोड। अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी तक की बातें अगर समझ में आ गई तो आगे बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाइपोलर वन के बाद में बाइपोलर टू होना चाहिए, इन्होंने दोबारा बाइपोलर वन लिखा हुआ है। फिर साइक्लोथाइमिक और बाइपोलर डिसऑर्डर NOS, NOS मीन्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो एक एक करके हम बढ़ते हैं। सो सबसे पहले बाइपोलर डिसऑर्डर वन। सो बाइपोलर डिसऑर्डर वन में क्या हो रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि एटलीस्ट 1 वीक का जो है एपिसोड होना चाहिए, मैनिक वाला एपिसोड एटलीस्ट 1 वीक का होना चाहिए। मेजर डिप्रेसिव तो रहेगा ही रहेगा, जो एटलीस्ट 2 वीक्स का, उसके साथ में मैनिक वाला 1 वीक का एटलीस्ट होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शन भी हो सकता है कि अगर वो मैनिया इतना सीवियर है कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो हमको 1 हफ्ते तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है डायग्नोसिस करने की, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पेशेंट आया, डिप्रेसिव एपिसोड उसका हो चुका है, अभी मैनिक एपिसोड में है, आज मान लो पहला या दूसरा ही दिन है, तो वेट करने की जरूरत नहीं कि अभी तो उसको 1 हफ्ता नहीं हुआ इसलिए हम बाइपोलर नहीं कह सकते हैं। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सीवियरिटी क्या है उसके मैनिक एपिसोड की। अगर वो उसने ऐसी हालत कर रखी है कि बहुत डेंजरस हो रखा है, किसी की जान ले सकता है या खुद की जान जा सकती है, तो उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और उसके लिए जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो ये जो है हमें देखना होगा। और एक्सेप्शनली बहुत कम नंबर ऐसे लोग होते हैं जिनको केवल जो है मैनिया होगा और डिप्रेसिव एपिसोड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए केवल मैनिया हो तो उसको यूनिपोलर डिसऑर्डर नहीं बोला जाता है। डिप्रेसिव वाले में बहुत संख्या ऐसी मिल जाएगी, लार्ज क्वांटिटी की, उनको केवल डिप्रेशन है लेकिन मैनिया नहीं है, इसीलिए उसको यूनिपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, केवल मैनिया को नहीं बोलते हैं। बिकॉज द शेयर नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग ओनली मैनिया इज एक्सेप्शनली लो, वेर एज पीपल हु आर हैविंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ओनली आर इन वेरी साइजेबल नंबर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिपोलर डिसऑर्डर। अब जो है बाइपोलर डिसऑर्डर टू पे आते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर टू जो है इसमें जो है फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड या मिक्स्ड एपिसोड नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें केवल डिप्रेसिव एपिसोड के साथ में हाइपोमैनिक एपिसोड होना चाहिए। बाइपोलर वन डिसऑर्डर में तो मैनिक एपिसोड होना चाहिए था, या तो फुल ब्लोन हो यानी कि 1 वीक का हो, या इतना सीवियर हो कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो बाइपोलर वन हो गया। लेकिन अगर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के साथ में हाइपोमैनिक एपिसोड है फॉर 1 वीक और मोर, तब जो है हम बाइपोलर टू करेंगे। ये की डिफरेंस है बाइपोलर वन और बाइपोलर टू में। ये डिफरेंस समझ में आया ना? दूसरी बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हाइपोमैनिया होता है
यूजुअली इसमें जो है सीवियर सोशल और ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट नहीं होता है जैसा कि मैनिया में होता है, तो वो दूसरा डिफरेंस है इसमें। और इसीलिए जो बाइपोलर टू का डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडिविजुअल को जो है जो डिप्रेसिव एपिसोड है उसके बारे में तो आपको बता रहा होगा, लेकिन हाइपोमैनिक एपिसोड को वो स्किप कर रहा होगा या उसको लग रहा होगा कि नॉर्मल है, इसको बताने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा इरिटेशन ही तो होता है मुझे, है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ही तो हो जाता है मुझे, है ना, कभी कभी जो है मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है वो नॉर्मल है, लेकिन वो मेजर अपनी जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड वाली बातें ही बता रहा होगा। और जो लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हाइपोमैनिक होते हैं दे डोंट सी देयर कंडीशन एज पैथोलॉजिकल, सो दे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, द पीपल अराउंड देम मे बी कंसर्न्ड अबाउट विद देयर एक्टिविटीज, दैट इज द इशू। ठीक है, आगे बढ़ूँ, मैं साइक्लोथाइमिया पे आता हूँ। ठीक है, अब साइक्लोथाइमिया जो है ये जो है साइकिल का मतलब होता है कि कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट हुई है वहीं पे ख़त्म हुई, ये सर्कल होता है। सो लाइकवाइज जो साइक्लोथाइमिया है इसमें भी जो है इंडिविजुअल को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी होगा और जो हाइपोमैनिक है या माइल्ड जो है बाइपोलर डिसऑर्डर उस टाइप का होगा, फुल ब्लून टाइप का नहीं होगा। तो इसमें जो है वो साइकिल जो है इंडिविजुअल की रिपीट हो रही होगी, पर यहाँ पे हम कब कहेंगे इसको, जो डिप्रेशन जो माइल्ड डिप्रेशन है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स का हुआ हो, जैसे डिसथाइमिया हमने पढ़ा था, डिसथाइमिया में माइल्ड डिप्रेशन 2 ईयर्स था, यहाँ पे माइल्ड डिप्रेशन 2 साल का तो है लेकिन जो साथ में जो है जो उसके मैनिक या हाइपोमैनिक जो सिम्टम्स हैं वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 से। ठीक है, तो दो की चीज़ें हो गई, एक तो ड्यूरेशन वाली बात हो गई, यहाँ पर जो माइल्ड डिप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स होना चाहिए, और एपिसोड्स ऑफ हाइपोमैनिया, है ना, हाइपोमैनिया की बात हो रही है, अगर मैनिया हो गया फिर तो बाइपोलर 1 में चला ही गया वो। ठीक है, सो माइल्ड डिप्रेशन फॉर 2 ईयर्स मतलब पूरी तरह से मेजर डिप्रेशन भी नहीं है, वो माइल्ड है फॉर 2 ईयर्स और मोर, एंड हाइपोमेनिया के एपिसोड्स हैं, और उसके इसके जो क्राइटेरिया हैं वो ना बाइपोलर 1 में मीट कर रहे हैं ना बाइपोलर 2 में मीट कर रहे हैं, ये तीसरी कंडीशन है। और जो साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर का मतलब मैंने साइकिल बताया ना कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और हाइपोमैनिक सिम्टम्स के बीच में साइकिल चलती रहेगी, कभी एक कभी दूसरा, और ऐसा एक साल के लिए हो गया हो एटलीस्ट, मतलब मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स तो 2 साल के लिए होने चाहिए माइल्ड वाले, और साथ में हाइपोमैनिया, और इस बात को एटलीस्ट 1 साल हो गया हो, तब जो जाके वो साइक्लोथाइमिक होगा। अब इसमें जो है दो एटलीस्ट सिम्टम्स होने चाहिए, कौन कौन से, या तो पुअर एपिटाइट या ओवर ईटिंग जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इनसोम्निया या हाइपरसोम्निया बहुत ज़्यादा नींद आना या बहुत कम नींद आना, लो एनर्जी या फटीक बिल्कुल जल्दी थक जाएंगे, पुअर कंसंट्रेशन, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, है ना, ये होगा। अब जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसके कंपैरिजन में जो है सिम्टम्स कम सीवियर होंगे बट दे आर मोर परसिस्टेंट, मोर परसिस्टेंट का मतलब लगातार हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, जैसे डिस्थाइमिया में हमने पढ़ा था ना कि वो इंडिविजुअल को लगने लग जाता है कि ये तो उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी, तो वो कंप्लेन भी नहीं कर रहा होता है, लाइकवाइज यहाँ पर भी जो है वो परसिस्टेंट हो जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि हमने बात की थी 2 साल हो गया है, तो इंडिविजुअल को फिर लगने लग जाता है कि भाई वो ऐसा ही है, पर इंडिविजुअल को भले ही नॉर्मल लग रहा हो लेकिन उसकी फंक्शनिंग तो इम्पेयर हो रही होती है, उसकी फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस तो हो रहा होता है, बिल्कुल ख़त्म हो गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो उसका बेस लेवल था उसके मुकाबले कम हो गई होती है। सो ये साइक्लोथैमिया इज क्लियर। नेक्स्ट इज बाइपोलर डिसऑर्डर NOS, NOS स्टैंड फॉर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो अभी तक हमने जितने भी टाइप के पढ़े
उसमें से किसी में भी फिट इन नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ डाल देना है। तो इसीलिए इसको कैच ऑल कैटेगरी भी बोला जाता है। कैच ऑल कैटेगरीज मतलब जो भी बच गए वो सब इसमें आ जाएंगे। तो जितने भी हमने सिम्टम्स के बारे में बात करी, चाहे वो टिपिकल थे या एटिपिकल थे, कॉम्बिनेशंस की बात करी, ड्यूरेशन की बात करी, वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो फिर जो है हम उसको डाल देंगे सिंपली इसमें, किसमें, बायपोलर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अब कॉजेस की बात। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेवरल टाइम्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो जीन्स हैं वो एक प्री डिस्पोजिशन होते हैं। तो प्री डिस्पोजिशन का मतलब चांसेस हैं, बीज है वो, लेकिन वो बीज से पेड़ कब बनेगा, जब उसको फर्टाइल ग्राउंड मिलेगा, पानी मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, हवा मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तब वो जो है बीज जो है पेड़ बनेगा। तो जीन्स आर लाइक सीड्स, तो सीड्स होने से कोई गारंटी नहीं है कि ये डिसऑर्डर हो गई होगा। हाँ, टेंडेंसी है, अगर जीन्स और एनवायरनमेंट का इंट्रैक्शन होगा, जिसे डायस्टेसिस मॉडल कहते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सो देन दीज जीन्स विल एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड द पर्सन विल शो द सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो स्टडीज हैं, जेनेटिक स्टडीज हैं, दे आर कंडक्टेड ऑन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक मतलब मोनो मीन्स वन, जाइगोट इज वेन द स्पर्म एंड एग्स फर्टिलाइज, दैट इज जाइगोट। तो एक ही जाइगोट से दो जब बच्चे बन रहे हैं तो दैट दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कुड बी बोथ फीमेल, कुड बी बोथ मेल, कुड बी वन मेल वन फीमेल, कुछ भी हो सकता है। एंड वेन टू एग्स फर्टिलाइज विद टू डिफरेंट स्पर्म्स, देन टू डिफरेंट जाइगोट्स आर फॉर्म। इन दिस केस द ट्विंस विल बी कॉल्ड डाइजाइगोटिक ट्विंस। सो ये देखा, और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप 100% मैच करता है, ऑब्वियसली एक ही सेल से बने हैं वो, एक ही जाइगोट से बने हैं। और डाइजाइगोटिक ट्विंस क्योंकि दो डिफरेंट एग्स और दो डिफरेंट जो है स्पर्म के कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो वहाँ पे 50% जेनेटिक मेकअप मैच करेगा। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनमें टेंडेंसी ज़्यादा देखी गई है, कि अगर पेरेंट्स को है या रिलेटिव्स को है, या एक ट्विन को है तो दूसरे को होने का, प्रोवाइडेड अगर उसको एनवायरमेंट भी वैसा मिले तो। और जो डाइजाइगोटिक है उनमें टेंडेंसी कम देखी, मोनोजाइगोटिक में जो 3 times ज़्यादा लाइकलीहुड है। तो यानी जेनेटिक्स हैज़ अ रोल इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट ए पर्सन विल हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बायोलॉजिकल फैक्टर क्लियर है? तो इसमें अलग अलग स्टडीज दी हैं, किसी में कुछ परसेंटेज दिया है, किसी में कुछ दिया है, बाइपोलर वन का, बाइपोलर टू का, बट एंड रिजल्ट सबका यही है कि यस, जीन्स मैटर। नाउ दूसरा जो है बायोलॉजिकल में, एक तो जीन्स वाला हो गया, एक होता है कैचेकोलामाइन हाइपोथेसिस। कैचेकोलामाइन हाइपोथेसिस क्या है, जो हमारे बॉडी में कई तरह के जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो उनको ब्रॉडली जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कैचेकोलामाइन और इंडोलामाइन। ठीक है, तो जो अगर वन ऑफ द कैचेकोलामाइन इज नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन इज ए काइंड ऑफ कैचेकोलामाइन, तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए, तो इंडिविजुअल डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो यानी कि जो डिप्रेसिव एपिसोड है वहाँ पे इसका रोल आता है नॉरएपिनेफ्रिन का। ठीक है, और इसी तरह से जो इंडोलामाइन हाइपोथेसिस है तो उसमें लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन की वजह से होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनकी वजह से और इनके इंटरेक्शन की वजह से भी, ये न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट डिफरेंट जो एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रीट होने वाले जो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स हैं उनसे इंटरेक्ट भी करते हैं,
केवल न्यूरोट्रांसमीटर ही थोड़ी होते हैं बॉडी में, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स भी सिक्रीट करता है। न्यूरो मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं कि उस जो न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उसको या तो सप्रेस कर देंगे या उसको एक्टिविटी को एलिवेट कर देंगे, मॉडरेट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। सो हर एक का अपना रोल है। तो अगर वो न्यूरो ट्रांसमीटर है ही नहीं या बहुत कम है तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। अगर न्यूरो मॉड्यूलेटर भी नहीं है या केवल न्यूरो मॉड्यूलेटर नहीं है तो उसका भी फ़र्क पड़ना है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल में किस पर्टिकुलर कैचेकोलामाइन या एंडोलामाइन की डिफिशियंसी है या कौन से न्यूरो मॉड्यूलेटर की डिफिशियंसी है एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से, वो टेस्ट करने से होगा। तो अब जो है ये जो है साइकेट्रिस्ट जो है वो अपने टेस्ट वगैरह करा के उनका डिसीजन होता है कि कौन सी मेडिसिन देनी। इसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं होता है। अब जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या क्रशिंग डिजीज है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का होता है उसको अफेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव कॉर्टिसोल रिलीज होगा। एक्सेसिव कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो डिप्रेशन होगा। जो हमने एचपी एक्सिस वाली बात करी थी पहले, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल कॉर्टेक्स वाली, तो वहाँ पे अगर वो सेंसिटिव है तो एंड रिजल्ट क्या होगा, कॉर्टिसोल होगा। लाइकवाइज अगर हाइपोथायराइडिज्म है या क्रशिंग डिजीज है तो वो अफेक्ट किसको करेगा, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को करेगा। तो एंड रिजल्ट तो वही होना, कॉर्टिसोल आना है। कॉर्टिसोल अगर आएगा वो एक्सेसिव होगा तो डिप्रेशन होगा। सो ये बायोलॉजिकल रीजंस हुए थे। ठीक है। सो अगर जैसे किसी का एमिग्डाला बहुत सेंसिटिव है तो हमेशा जो है वो ट्रिगर करेगा, कॉर्टिसोल निकलेगा। नाउ कम्स द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर एज यू ऑलरेडी नो बहुत सारे हो सकते हैं। उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी की लाइफ में कोई क्लोज रिलेशनशिप है ही नहीं तो ऑब्वियसली जो है डिप्रेस मूड तो रहेगा ही रहेगा उसका, है ना। या किसी की लाइफ में हमेशा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस रहते हैं एंड उसकी पर्सनैलिटी में रेजिलियंस नहीं है। हमने बात करी थी कि खाली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस नहीं होता है, पर्सनैलिटी का बहुत असर होता है। इसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति संघर्ष में बिखर जाता है और कोई व्यक्ति संघर्ष में निखर जाता है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो स्ट्रगल्स जो है आपको स्ट्रांग बनाती हैं, प्रोवाइडेड आप बनना चाहो, और आप बिखरना चाहो तो स्ट्रगल आपको ख़त्म कर सकती है। तो वो पर्सनैलिटी है या आउटलुक है, थॉट प्रोसेस कैसा है। कहते हैं ना कि दिस इज वेरी 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 ब्यूटिफुल कोट, आई एम थैंकफुल टू दोज हु डिड नॉट हेल्प मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट आई लर्न हाउ टू डू इट, है ना। तो ये सोचने का तरीका है सिर्फ। सो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट हाउ द पर्सन कम्स आउट ऑफ इट, वो उसकी पर्सनैलिटी और थाट प्रोसेस है। सो इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैक्टर में, साइकोलॉजिकल फैक्टर में, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, उसके आसपास के लोग बड़ा मैटर करते हैं। आई रिपीटेडली से दिस थिंग, यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू इंटरेक्ट मोस्ट विद। तो आसपास के लोग भी जो है अगर आपकी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं तो वो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा। और वो हौसला बढ़ाने वाले हैं तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। तो जैसे मैंने बताया था कि आई नो वेरी मैनी फीमेल्स, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, दो दो बच्चे हैं, नो एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम पुअर फैमिली एंड दे बिकम ऑफिसर्स। तो ये पर्सनैलिटी है एंड थॉट प्रोसेस है। सो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हुए। देन आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशंस हैं ये तो साइकेट्रिस्ट ही देगा, दिस टू बी गिवन बाय साइकेट्रिस्ट ओनली। इसमें साइकोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं है। सो बट एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेडिसिंस में जो एक मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस होती हैं, तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि उसको जो है सेरोटोनिन लेवल को हाई करने वाली या मूड को एलिवेट करने वाली मेडिसिंस दी जाएगी। लेकिन अगर वो बढ़ाती जाएगी
तो आदमी मैनिक स्टेज में चला जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि वो बढ़ाए तो सही, लेकिन जब एक लेवल पे आके स्टेबलाइज हो जाए, इससे ज़्यादा ना बढ़ाए। तो वो जो है मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस होती हैं। तो जैसे एक बहुत कॉमन और वेल नोन है लिथियम, दिस इज़ देयर, लेकिन ये डॉक्टर की जो है उसमें सुपरविजन में ही लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये अगर जो है अच्छे से प्रॉपरली नहीं ली गई, तो इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो। तो मैनिया और जो है डिप्रेसिव एपिसोड में ये काफ़ी होती। फिर एक होती है वैलप्रोइक एसिड या डिवैलप्रॉक्स सोडियम, ये भी एक मेडिसिन है। और अभी रिसेंटली एक जो है एंटी कन्वल्सेंट लेमोट्रिजीन या लेमोट्रिजाइन, ये सब जो है मेडिसिन्स हैं। पर ये देगा कौन? डॉक्टर देगा, इसमें हमारा रोल नहीं है। देन ए टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, टिपिकल तो वही होगी जो नॉर्मली दी जाती हैं, ए टिपिकल वो जो नॉर्मली नहीं दी जाती हैं। तो जैसे ओलेंजापाइन है ना, अब कौन सी कब देनी है, दिस साइकेट्रिस्ट हैज टू डिसाइड। से एरिपीप्रेजोल है, दीज आर ए टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी वगैरह में या कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, या जो मेडिकेशंस में जो है लिथियम कब दिया जाता है, या लिथियम का फंक्शन क्या है, तो मूड स्टेबलाइजिंग है इस तरह से, दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर क्वेटिपेनाइन रिलीव द सिम्टम्स ऑफ सीवियर एंड सडन मैनिक एपिसोड, बहुत सीवियर या सडन मैनिक एपिसोड है, सो क्वेटियापाइन ये है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं, बहुत तरह की हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन क्या सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। देन कम्स साइकोथेरेपी। सो साइकोथेरेपी में जो सबसे पॉपुलर और सबसे इफेक्टिव साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए होती है वो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसमें कोई फॉल्टी कॉग्निशन जो होता है उसकी वजह से इंडिविजुअल को वो सिचुएशन जो है इनसरमाउंटेबल लग रही होती है। इनसरमाउंटेबल मतलब जिससे पार नहीं पा सकते। सो वो फॉल्टी कुछ कॉग्निटिव आस्पेक्ट होगा, तो सीबीटी करेंगे तो हमको पता चलेगा उसको कोर बिलीफ में कहाँ मिस्टेक है ना। जैसे उसको ये है कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता है, तो उससे ये पूछा जाए कि भाई तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करता है, तुम पैदा होने से लेके इतने बड़े हो गए किसी ने हेल्प नहीं करी, बिना हेल्प किए पड़े हो गए है ना, या कोई हेल्प नहीं करता था, तुम खुद अपने आप को कैपेबल क्यों नहीं बनाते हो, अपने आप को कैपेबल बना, तुम दूसरों की हेल्प करो ना। एक देर सॉन्ग, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, यू विल ऑटोमेटिकली डेवलप बॉन्डिंग विद पीपल, देन पीपल विल ऑल्सो हेल्प यू। कोई दुनिया ने ठेका थोड़ी ले रखा कि सब मेरी हेल्प करेंगे, है ना। वाई आई शुड नॉट बी कैपेबल टू हेल्प अदर्स, ऐसा होना चाहिए। फिर एक थेरेपी इसमें होती है फैमिली फोकस थेरेपी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस दो वजह से, एक तो इंडिविजुअल को हेल्प की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसको एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री चाहिए, और फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फैमिली जो है उसको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे पाए, इसलिए जो है फैमिली को काउंसिल करना होता है, थेरेपी देनी होती है। दूसरी बात ये है कि जब उसकी टेक केयर कर रहे हैं फैमिली वाले, तो उनके ऊपर भी तो स्ट्रेस आ रहा है, दे आर ऑल्सो बींग एडवर्सली अफेक्टेड साइकोलॉजिकली, तो उनको भी तो हेल्प की ज़रूरत है। सो इट इज़ ए टू वे प्रोसेस फैमिली फोकस थेरेपी में। और तीसरा जो है फैमिली थेरेपी में ही आता है, वो अगले पॉइंट में कवर हो जाएगा, वो है इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी। तो हम जब भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को होता है, तो उसके इंटरपर्सनल रिलेशन खराब हो जाते हैं, सोशल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, जो सोशल जो उसका रिदम है वो खराब हो जाता है। तो ये अगर उसका इम्प्रूव हो जाएगा तो रिलेशन अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके इम्प्रूव हो गए, तो उसके बाद स्ट्रेस अपने आप ही कम हो गया,
स्ट्रेस कम हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो कम हो गए तो उसको इम्प्रूवमेंट आएगा, उसके सोशल स्किल्स इम्प्रूव हो गए तो भी वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड द नेक्स्ट इज साइको एजुकेशन। तो लोगों को जो है कई बार इम्पैक्ट भी नहीं पता होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर उसमें ये सिम्टम्स होंगे ही होंगे, तो जिनको पता नहीं है वो ये सोच रहे होते हैं कि ये जानबूझ के कर रहा है ऐसा, विच इज़ नॉट द केस। वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, उसके बस में नहीं है इसलिए वो कर रहा है। वो अलग बात है, जिसके साथ में बीत रही है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा होगा, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वो इंडिविजुअल जानबूझ के नहीं कर रहा है ना, अनलेस द पर्सन इज मैलेंजरिंग, वो अलग बात है। फिर अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो इसमें प्रोग्नोसिस दिया ये हर एक में लागू होता है, खाली इसी में नहीं, कि सबसे पहले एक्यूरेट डायग्नोसिस होना जरूरी है कि भाई उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि उसको बाइपोलर वन है कि बाइपोलर टू है, कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड ये खाली है ना या मिक्स्ड है, क्या है। अगर एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा तभी करेक्ट ट्रीटमेंट या अच्छा ट्रीटमेंट होगा, और जब करेक्ट डायग्नोसिस के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट होगा तभी जो है फ्यूचर के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, प्रोग्नोसिस विल बी गुड। सो ये केवल बाइपोलर के लिए नहीं, हर एक के लिए लागू है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर। सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। If you have any questions, you can ask. Otherwise, I will stop the recording. Shall I stop the recording?